नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है द इन्वेस्टमेंट गुरुजी। आज के इस वीडियो में बात करने वाले इंडिया मार्ट इंटरमेश इस कंपनी के बारे में। अगर हम लोग करंट लेवल पे बात करें तो करंट लेवल पे स्टॉक लास्ट ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पे जो है 1.23% जो है बढ़त के साथ बंद हुआ। लेकिन पिछले कुछ दिनों से अगर आप देखोगे, पिछले 5 दिनों से स्टॉक में 7% का रिटर्न दिया है, पिछले 1 महीने की बात करें तो 13% का रिटर्न दिया है। तो लगभग यहाँ पे क्या ये स्टॉक में तेजी की शुरुआत हो चुकी है, तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। पिछले 1 साल का यहाँ पे रिटर्न देखे तो लगभग 11% का है। अगर हम लोग 5 साल का रिटर्न देखे तो शानदार रिटर्न दिया है यहाँ पे स्टॉक ने। लगभग लगभग हम लोग बात करें तो 2019 में कंपनी यहाँ पे जो है जुलाई में लिस्ट हुई थी और वहां से लगभग 300% का रिटर्न दिया है। लेकिन उसके अगेंस्ट अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 9,000 तक स्टॉक जाते हुए देखने को मिला था। तो यहाँ पे अच्छा खासा करंट लेवल पे डिस्काउंट पे चल रहा है। अगर हम स्टॉक की बात करें तो ऊपर से लेवल से अच्छी खासी यहाँ पे गिरावट हो चुकी है स्टॉक में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जिस हिसाब से यहाँ पे चार्ट पैटर्न लग रहा है तो प्रॉबली यहाँ पे बहुत ज्यादा चांसेस लग रहा है स्टॉक यहाँ से बहुत ज्यादा जल्दी ऊपर जाने की यहाँ पे क्षमता रखता है। तो इस वीडियो में स्पेसिफिकली हम लोग कंपनी से रिलेटेड फाइनेंशियल्स या फंडामेंटल्स की कोई बात नहीं करेंगे। हम लोग कंप्लीटली और कंप्लीटली यहाँ पे जो है टेक्निकल एनालिसिस इस स्टॉक में इस वीडियो का करेंगे, जिसकी मदद से आपको पता चल सकता है कि कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल है जिसकी ऊपर आपकी नजर होनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, फटाफट वीडियो को शुरू कर लेते हैं। वीडियो शुरू होने से पहले अगर आपने अब तक लाइक नहीं किया वीडियो को तो प्लीज लाइक कीजिए, क्योंकि आपका हर एक लाइक मेरा कॉन्फिडेंस मोटिवेशन बढ़ाता है। एज वेल एज अगर आपका इस वीडियो को लाइक करोगे तो ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे जो है व्यूअर्स तक पहुंचेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू कर देते हैं। चलिए शुरू करते हैं स्टॉक का टेक्निकल एनालिसिस। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं आपको इस पॉइंट को हाईलाइट करके दिखाऊं तो लगभग जुलाई में यह स्टॉक लिस्ट हुआ था मार्केट में 1200 रुपए के 1300 रुपए के बीच में लिस्ट हुआ था। उसके बाद अगर हम लोग स्टॉक की यहाँ पे रैली देखें तो लगभग यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि लगभग स्टॉक यहाँ पे जो है ऑलमोस्ट यहाँ पे 9,900 तक जाते हुए देखने को मिला था। यानी कि बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में स्टॉक ने जो है 6 टाइम्स रिटर्न दिया था, 667%, जो आप यहाँ पे आप क्लियरली देख पा रहे हो। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो स्टॉक में यहाँ पे पिछले यहाँ पे कुछ अगर हम लोग बात करें 1.5-2 साल से ज्यादा कुछ मूवमेंट नहीं हुए। लोअर लेवल से स्टॉक यहाँ पे 3,400 तक आ चुका था। करंट लेवल की बात करें तो करंट लेवल पे स्टॉक यहाँ पे जो है 46%, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 46% यहाँ पे डिस्काउंट पे स्टॉक यहाँ पे आज की लेवल तक चल रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे ये स्टॉक इस वीडियो में क्यों कवर किया है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे स्पेसिफिकली देखोगे तो स्टॉक पिछले यहाँ पे कुछ महीनों से, अगर हम लोग महीनों से या फिर अगर हम लोग बात करें तो पिछले 1 सवा साल से एक कॉन्सोलिडेशन जोन में यहाँ पे जो है ट्रेड कर रहा है, जिसका अगर हम लोग स्पेसिफिकली ऊपर की बात करें तो ऊपर का लेवल लगभग निकल गया था 5,300 रुपए, 390 रुपए, और लोअर लेवल निकल गया था यहाँ पे 3,980 रुपए। तो अगर हम लोग इस स्पेसिफिकली चार्ट को भी एनालिसिस करें तो आप यहाँ पे क्लियर कट समझ जाओगे कि तो यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग जो है यहाँ पे स्टॉक को सपोर्ट था, जिसको मल्टीपल टाइम स्टॉक ने सपोर्ट किया। लगभग 4,000 की भी लेवल आप पकड़ लो तो 4,000 के आसपास स्टॉक को बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, जिसके नीचे स्टॉक नहीं गया। लेकिन उसके अगेंस्ट यहाँ पर आप देखोगे तो 5,390 के ऊपर यहाँ पे स्टॉक को स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, जिसको मल्टीपल टाइम स्टॉक ने टेस्ट किया। और अगर हम लोग यहाँ पे करंट लेवल की भी बात कर रहे हैं तो करंट लेवल पे स्टॉक एक अच्छा खासा यहाँ पे टेरिटरी में यहाँ पे चल रहा है, जहाँ पे अगर हम लोग आप देखोगे तो इस पर्टिकुलर जो है विंडो के इस पर्टिकुलर यहाँ पे जो है आप ये भी जो भी बॉक्स ड्रॉ किया है, रेक्टेंगल ड्रॉ किया है, तो उसको देखोगे तो उसके बाहर अभी स्टॉक निकलने की कोशिश कर रहा है। तो इस स्टॉक की अगर आप मूवमेंट देखें तो शार्प बहुत ऊपर होती है या शार्प बहुत नीचे होती है। तो यहाँ पे जिस हिसाब से यहाँ पे मूवमेंट यहाँ पे बन रही है स्टॉक की, तो एक अच्छा खासा यहाँ पे अपॉर्चुनिटी दिख रहा है ऊपर जाने के लिए। एज वेल एज अगर हम लोग बात करें तो करंट लेवल पहले जो थी रेजिस्टेंस, उसको भी तोड़ के स्टॉक ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है। तो डेफिनेटली आपको इंडिया मार्ट स्टॉक पे आपकी नजर होनी चाहिए। अगर आप इस स्टॉक को फॉलो करते हो तो डेफिनेटली वॉच लिस्ट जो है स्टॉक को क्लोज नजर रखिए। तो यहाँ पे शॉर्ट मूवमेंट ऑफ टाइम पे यहाँ पे अच्छा खासा यहाँ पे पैसा बन सकता है, तो इस स्टॉक को हमें मिस नहीं करना है। तो क्लोज दी स्टॉक को डेली लेवल पे वॉच कीजिए, डेफिनेटली यहाँ पे अच्छा खासा मौका बनेगा। अगर ये स्टॉक करंट लेवल की अगर हम लोग बात कर ले तो यहाँ पे अगर 5,390 के ऊपर यहाँ पे 2 से 3 दिन कम से कम ये टिक जाता है, 5,390 में यहाँ पे जो है लेवल बता देता हूँ। ये लेवल क्यों मैंने बताई है, क्योंकि उसी लेवल के आसपास पहले ब्रेक नहीं कर पाया था, तो इस लेवल के आसपास के ऊपर करंटली स्टॉक निकलने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ इसके ऊपर टिक गया स्टॉक इस लेवल के ऊपर, तो डेफिनेटली बहुत जल्दी ये स्टॉक 6,000 के ऊपर निकलने की यहाँ पे क्षमता रखता है। तो स्टॉक को मिस मत कीजिए, डेफिनेटली स्टॉक को क्लोजली वॉच कीजिए। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो दोस्तों। अगर आपको कोई भी जो है सुझाव होंगे, कमेंट्स होंगे, कोई भी फीडबैक होगा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। इसी के साथ इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, ताकि आपका हर एक लाइक मेरा जो है यहाँ पे मोटिवेशन बढ़ाता है, एज वेल एज आपकी लाइक की मदद से वीडियो ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे जो है
दर्शकों को पहुंचेगा। दोस्तों एज वेल एज अगर आपको किसी दूसरे जो है स्टॉक के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, डेफिनेटली मैं उस स्टॉक पे ऊपर जो है यहाँ पे एनालिसिस करूंगा, वीडियो बनाऊंगा। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।